Assalamualaikum everybody and welcome back to the channel. आज Friday है तो मेरा जाना थोड़ा सा तैयार होने का दिल कर रहा था. वैसे भी ईस्टर्न पहनना था बिकॉज मैं पूरी सर्दियाँ वेस्टर्न पहन के तंग आ गई हूँ बहुत ज़्यादा. तो अब मेरा दिल है कि मैंने जो ना लास्ट फ्राइडे से मैंने ईस्टर्न पहनना स्टार्ट किया हुआ. बीच में दो दिन जो है वो तो मैं वैसे ही ऑफ पे थी और एक दिन मैंने वेस्टर्न पहना था, लेकिन अब मैंने दोबारा से जाना वो स्टार्ट कर दिया. और आज मेरा वैसे ही तैयार होने का दिल कर रहा था इसलिए फिर मैं जो हूँ रेडी हो गई हूँ. अभी मैं ऑफिस जाऊँगी और वो सारी रूटीन तो मेरी चलती रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों को ना आज सुशी से मिलवाना चाहती हूँ जो हमारे घर पर कुछ दिनों का मेहमान आया हुआ है. गाइस दिस इज सुशी. ये हमारे घर पे ना दो तीन दिन का मेहमान है क्योंकि जोया के ऑफिस के कोई कुलीग हैं, उन्होंने ट्रिप पे जाना था तो ये पीछे अकेला रह जाता. और हमारे घर वैसे ही बहुत सारी बिल्लियां होती हैं तो ये हमारे घर आ गया. ये इतना लविंग है, इसको प्यार करने लगो ये छोड़ता ही नहीं है. इसके भी अपडेट है कि ये जो है इसमें सेल डल गया था और ये चल पड़ा है. मैं जो हूँ अभी घर पे ही हूँ, अभी 11:30 हुए. मेरी जो टाइमिंग चेंज हुई है ना आजकल वो 12:00 की हुई है. मुझे जो है ना ऑफिस का अभी से मैसेज आ गया काम देखने का. मैंने फिर मैसेज किया कि मैं 12:15 तक मतलब पहुँच जाऊँगी फिर मैं स्टार्ट करूँगी. ऐसे होता है कि जब कोई एबसेंट हो जाता है तो अल्टरनेटिव है फिर उसने काम करना होता है. हम फिर ऑफिस जाके काम स्टार्ट करते हैं. हेलो देयर एवरीबॉडी. लास्ट क्लिप मैंने ऐसे यहीं पे बनाया था लेकिन वो ईस्टर्न ड्रेसिंग में था. आज मैं वेस्टर्न में जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा था. लास्ट फ्राइडे था, आज मंडे है और आज मैं सुबह से जल्दी भी उठी हुई हूँ और तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला था कि आज कोई जुलूस धरना टाइप कुछ है. मैं इतना ज़्यादा न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रखती इसलिए मुझे नहीं पता, बस मैंने सुना था कि इस टाइप की कोई चीज़ है. तो मुझे इतना पता होता है कि जौहर टाउन वाले जो रास्ते हैं ना वो वहाँ पे जाने की ज़्यादा मसले हो जाते हैं कि रास्ते बंद हो जाते हैं, ये सीन होता है. लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा छुट्टी ले चुकी हूँ अपने ऑफिस की तरफ से तो मैं छुट्टी नहीं लेना चाहती थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ. और अभी बस मैं निकलूंगी थोड़ी देर में क्योंकि ऑफिस पहुँचना तो लाजमी है. एंड लेट मी शो यू गाइज सुशी जिसका आज आखिरी दिन है हमारे घर पे, आज शाम तक चला जाएगा. इसने इतना तंग किया ना, पता है इसने हमारी एक बिल्ली को इतनी बुरी तरह मारा. और आयशा की बिल्लियाँ तो आयशा को इतना गुस्सा चढ़ गया था. आयशा कहती मेरी बिल्ली को कुछ हो जाता ना मैंने इसको भी नहीं छोड़ना था. दिस इज़ अ वेरी हैवी 3 साल का बिल्ला और इसको इतना शौक है ना प्यार करवाने का, बस इसको एक दफ़ा हाथ लगा दो ये छोड़ेगा. मैंने अभी ऑफिस आते साथ ना ये पहले बास्केट सेट किए जो मैं करती होती है देखें, और इसमें सारे जो है ना रेड रेड चीज़ें रह गई हैं. अब सिर्फ ये कोकोमोज और ये जो बिस्किट है ना रेड वाले ये रहे, बाकी इसको फिर हम अपडेट करेंगे हम नेक्स्ट वीक. और मैं एक और अपडेट दे दूँगी, हमारे घर में जो सुशी आया हुआ था वो चला गया है लेकिन उसकी जगह अभी एक और बिल्ली का बच्चा आ गया, लेकिन वो रैंडमली कहीं से आ गया. लेकिन वो हिमालयन कैट का बच्चा है, पता नहीं नेबर्स में से किसी का है या पता नहीं बेचारा कहाँ से आ गया, लेकिन अभी वो डरा हुआ वो हाथ में नहीं. अच्छा पूरी कोशिश करिए कि वो किसी तरह हाथ में आ जाए, वो जैसे ही हाथ में आता फिर मैं आपको दिखाऊंगी. आज संडे है और मैं इसलिए ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकी बिकॉज आप लोग मेरी तैयारी देख ही रहे होंगे. मैं अपनी एक दोस्त की शादी पर आई हुई हूँ. आज मायूँ हैं, फिर मेहंदी, बारात, वलीमा, ये सारे फंक्शन हमने अटेंड करने हैं. साथ मेरा ऑफिस भी होगा तो मेरे लिए ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा. अभी आप लोग आवाज़ अगर आ रही हो तो नीचे ढोलकी चल रही है. इस टाइम रात के 11:30 हो चुके हैं और अभी कोई इरादा नहीं है किसी का भी फंक्शन एंड करने. एंड आई विल शो यू गाइज माई हेक्टिक रूटीन ऑल द फंक्शंस एंड विद ऑफिस रूटीन. मैं इस टाइम ऑफिस आ चुकी हूँ. मेरी आंखों में इतनी नींद भरी हुई है ना इस टाइम भी, लेकिन क्योंकि हमने ऑफिस भी आना होता है. मैंने वैसे भी आज और कल जो है वो हाफ ऑफ डे लेना है क्योंकि आज मेहंदी है और फिर कल बारात है. वलीमे का फिर मैं सोचूंगी लेकिन अभी जो है ना ये जो मेन फंक्शन है वो तो गुजारूँ. एंड आई एम होम. मैं घर आ गई हूँ, अभी मैंने शावर लेना है फिर मैंने तैयार होना है. मैंने हाफ डे लिया था आज ऑफिस से, कल भी शायद मैं हाफ डे ही लूँगी. तो मैं ये सोच रही हूँ कि कल तो मायूँ थी, घर का फंक्शन था तो ही हमें घर आते आते 2 बज गए थे, रात को 3 बज गए थे सोते सोते और सुबह को मैं ऑफिस में मेरी हालत आप लोगों को नजर आ रही थी. तो आज तो मुझे लग रहा है मेहंदी का फंक्शन शायद ज्यादा लेट हो जाएगा, या तो मैं कल हाफ डे लूँगी या फिर मैं पूरी छुट्टी ले लूँगी. लेकिन इट डिपेंड्स कि हम घर कितने बजे पहुँचेंगे. मैंने घर आके चेंज कर लिया है, बाल अपने मार लिए हैं और अभी मैं जो हूँ थोड़ा सा रेस्ट फरमा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ. क्योंकि अभी एक दफ़ा उठ के जब काम करना स्टार्ट होंगे तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, फिर तो बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा था. एंड वी आर एट द वेडिंग. जोया की डांस स्टार्ट होने लगे तो वो कह रही है कि मेरे हर गाना लगने लगे इसकी आवाज़ बंद हो जाती है.
मैं लिटरली यहाँ पे बैठ के सबकी डांस वीडियोस बना रही हूँ, इतनी पक्की मेरी ड्यूटी लगी हुई है। एंड आई एम होम। मुझे इस टाइम ना कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, क्योंकि जिस तरह नॉर्मल क्या मतलब, मैं भी नॉर्मल हूँ, लेकिन जिस तरह बाकी व्लॉगर्स वो फ्लैश ऑन करके बैक कैमरा ऑन करके बनाते हैं ना, मैं वो करने की कोशिश करी थी अपने फ़ोन के साथ, तो फ्लैश मेरी आंखों में ऐसे हो गई है, हर चीज़ ब्लैकआउट हो गया मेरे लिए, तो मुझे अब स्क्रीन पे अपना फेस भी सही से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस टाइम मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अभी तक घर पहुँचे और सोते सोते अभी 3:30 हो जाएंगे और मैं सब ऑफिस नहीं जा रही हूँ, तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि कल भी बारात पर भी जाना है, कल भी अगर मैं ऑफिस चली गई और फिर यही हाल रहा तो मैंने पक्का बीमार हो जाना, इसलिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए गुड नाइट। मैं लिटरली अभी उठी हूँ, उठी भी नहीं हूँ, मुझे उठाया गया है कॉल करके कि सारी डांस वीडियोस जो है बनाई थी ना कल रात को वो भेज दो, सब पूछ रहे हैं, क्योंकि जोया तो वहीं रुकी हुई है ना शादी वाले घर में काफ़ी दिनों से, ऑब्वियसली बात है उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी जो है, तो वो सारे कहीं उठ के उनको याद आया था कि कल अपने जाला की ड्यूटी लगाई थी, तो वो सारे जो है अब जोया कह रहे हैं कि जाला को कहो के वीडियोज़ भेजे, तो उसने मुझे कॉल करके खास उठाया कि वीडियोज़ भेजो, मैंने 20 वीडियोज़ भेजी हैं उसको सबके डांस वगैरह की, और ये मेरा पूरा मूड सूझा हुआ अभी मैं उठी हूँ, और मैं ऐसे ही सो गई थी बगैर मुँह धोए, मैं अब मुँह धोऊंगी जाकर, उनके मामा सो रही हैं और अभी मेरा कुछ मूड नहीं है बनाने का, तो ये मेरा नाश्ता। एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द हॉल नाउ। हे ब्रो, आज तो हील्स पहन के इतनी ज्यादा वॉक करवा दी। फोटोग्राफी के शौक पूरे करते हुए एंड आई एम होम। मैं चेंज करूंगी अब और सो जाऊंगी और वापस सुबह से मैं ऑफिस जाना। हेलो देयर एवरीबॉडी, मुझे सांस चढ़ गया, अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ, शादी का जो सीज़न है वो हो चुका है मेरा ख़त्म और मैं वापस ऑफिस आ गई हूँ, उस टाइम मैं ऑफिस की छत पे घूम रही हूँ, कभी कभी सांस लेने के लिए ऊपर आ जाते हैं, जब बिल्कुल ही तंग आ जाते हैं ना बंद कमरों से तो फिर ऊपर आ जाते हैं। शादी पे दो जगह पे मैं सेंटी हुई थी, एक तो मेहंदी वाले दिन, क्योंकि मेरी फ्रेंड की जिससे शादी हुई है ना दे बोथ आर कज़न्स, तो लड़के की मदर की डेथ हुई हुई थी और लड़की के फादर की डेथ हुई हुई थी, तो उन्होंने जो है ना मेहंदी वाले दिन जो है उनके बचपन की पिक्चर्स और वीडियोस उनके मदर और फादर के साथ जो है ना वो प्ले की थी, एक जगह मैं वहाँ सेंटी हो गई थी, और बारात वाले दिन जब उसकी रुखसती का टाइम था ना एक जगह मैं वहाँ सेंटी हो गई थी, लेकिन वैसे मुझे शादी में बहुत 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 मज़ा आया, अल्लाह ताला उन दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ के आज वलीमा भी था, मैं आज वलीमे पे नहीं जा सकी क्योंकि मैं ऑफिस से बार बार छुट्टी नहीं ले सकी, एंड टुडे इज़ वुमेंस डे टू, इसीलिए मैं जो हूँ ना पिंक पैंथर बनी हुई हूँ आज, क्योंकि वुमेंस डे के दो तीन कलर्स हैं उसमें से कुछ चूज़ करके पहनना था तो मैंने पिंक पहना है, और अभी जब मैं आई हूँ ऑफिस में तो मैंने जो है ना वो सारी डेकोरेशन वगैरह देखी है, वो मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी, इट्स लुकिंग रियली प्रिटी, और आज छोटी सी सेलिब्रेशन भी है हमारे वुमेंस डे के लिए। Don't follow me on Instagram, Snapchat and TikTok. Go follow me on every social media. The link is in the description box. And don't forget to like the video and subscribe my channel. Bye.